इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे मेरा नाम है यश मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं स्पॉट द एर फ्रॉम कंपेटिटिव एग्जाम पार्ट टू तो शुरू करते हैं आज का सफर तो so, सबसे पहले आपके लिए टेस्ट तो so, आपको यहां पॉज लेना है इन सेंटेंस को देखना है किस पार्ट में एरर है और साथ ही ये भी बताना है कि वो एरर ग्रामर के किस चैप्टर से आया है तो so, कुछ क्वेश्चंस ये हैं. और कुछ क्वेश्चंस ये हैं टोटल ट्वेंटी क्वेश्चंस हैं को देखना है बाकी हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक है स्पॉट द एरर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन शेल वी अराइव टू आर डेस्टिनेशन तो इसमें थर्ड पार्ट में एरर है तो रिपेयर करते हैं इसको टू टू यहां पर गलत है इसकी जगह होना चाहिए एट। सेंटेंस देखिए i arrived at the station late तो arrive के बाद at लगाते हैं जब हम शहर में किसी छोटी-मोटी जगह पर पहुंचने की बात करें arrive at the station arrive at the bus stand arrive at college और एक सेंटेंस और देखिए the team arrived in india last night तो arrive के बाद in कब आता है जब किसी सिटी में या किसी कंट्री में हम एंटर करते हैं पहुंचते हैं तब हम arrive के बाद in लगाते हैं लेकिन सिटी में हम छोटी मोटी कहीं भी जगह जाए उसके लिए अराइव के बाद एट आता है तो टॉपिक था ये प्रेपोजिशन का नेक्स्ट क्वेश्चन अ पीरियड ऑफ सिक्स है रिपेयर करते हैं हैव यहां पर ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए हैज इलेप्स्ड क्योंकि इसमें जो पीरियड है ये सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है सिक्स इयर्स नहीं है तो पीरियड सिंगुलर के लिए हमने हैज लगाया सेंटेंस एक देखिए अ पीरियड ऑफ फाइव ही गॉट मैरिड और दूसरा देखिए फाइव मैरिड तो दूसरे वाले सेंटेंस में फाइव ईयरस सब्जेक्ट है और पहले वाले में पीरियड सब्जेक्ट है टॉपिक था ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्स्ट क्वेश्चन ऑल दो द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज विद पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन तो फर्स्ट पार्ट मेर है।, है इसकी जगह होना चाहिए द पुअर सेंटेंस देखिए द रिच आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द पुअर एक्चुअली रिच और पुअर दोनों एजेक्टिव होते हैं लेकिन जब इनके आगे द लगता है तो ये बन जाते हैं प्लूरल नाउन द प्लस एजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन बहुवचन नाउन बन जाते हैं तो जैसे द रिच का मतलब अमीर लोग द पुअर का मतलब गरीब लोग द यंग जवान लोग द ओल्ड बूढ़े लोग द ब्रेव बहादुर लोग द ब्लाइंड अंधे लोग द इंजर्ड घायल लोग तो ये लोग बन जाता है यानी कि प्लूरल नाउन बन जाता है तो पुअर का मतलब नहीं बनेगा उसकी जगह द पुअर आना चाहिए तो टॉपिक था आर्टिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस कारेज तो थर्ड पार्ट में रिपेयर करते हैं लूजिंग ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए टू लूज या केवल लूज एक सेंटेंस देखिए इसको समझाने के लिए इट इज बेटर टू कीप क्वाइट देन

सिर्फ लूज भी लिख सकते हैं टू भी लगा सकते हैं तो टॉपिक था ये इनफिनिटिव का नेक्स्ट क्वेश्चन गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट तो थर्ड पार्ट एरर है रिपेयर करते हैं लेफ्ट ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए हेड लेफ्ट क्योंकि ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है पास इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट देखिए वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट तो हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन के जा चुकने के बाद तो आफ्टर के बाद पास परफेक्ट जो पहले काम हुआ है और जो बाद में हुआ है जो हम पहुंचे बाद में वो पास इंडिपेंडेंस में तो टॉपिक था टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड देकेटेड एंड हैव टू पे द फाइन तो थर्ड पार्ट मेरर है रिपेयर करते हैं हैव टू पे द फाइन ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए फाइंड देखिए कैसे कि बाद वाले पार्ट को हम एक बार लिखते हैं दे विल बी स्टॉप टिकेटेड एंड दे विल बी फाइंड तो ये पैसिव वॉइस है तो इसमें एंड से दो सेंटेंस जुड़ गए तो दे विल बी स्टॉप टिकेटेड एंड दे विल बी फाइंड तो दे विल बी को हमने हटा दिया रिपीट हो रहा है फाइंड को पीछे ले गए तो रह गया दे विल बी स्टॉप्ड टिकटेड एंड फाइंड तो टॉपिक था वॉइस का नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्ट सपोजिंग इफ यू फेल्स वॉट ही वुड डू तो सेकेंड पार्ट मैर है रिपेयर करते हैं सपोजिंग इफ यू फेल्स ये पूरा गलत है इसकी जगह होगा

कंजंक्शन और कंडीशनल का मिला जुला नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस है रिपेयर करते हैं, ये गलत है, इसके जगह होना चाहिए फाइंडिंग तो देखिए पीपल होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड तो पॉइंट क्या है सब्जेक्ट के बाद हैव बाद डिफिकल्टी आ जाए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है यानी सीधा जेरेंड आता है टॉपिक था जेरेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन टू आवर्स में एरर है रिपेयर करते हैं। ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए फेल क्योंकि दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिपेंडेंस

ंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू दार्ट मैर है रिपेयर करते हैं द ड्राइवर सेंड द कार ये पूरा का पूरा गलत है इसकी जगह होना चाहिए द कार वॉज सेंट सेंटस देखिए हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू प्ले हैविंग फिनिश्ड ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका संबंध कॉमा के बाद जो पहला नाउन या प्रनाउंस सब्जेक्ट होता है उससे होता है Having finished my homework, तो मेरा होमवर्क करने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे खेलने के लिए अलाउ किया इसका मतलब मेरा homework किसने किया है माय मदर मदर ने और दूसरे में देखिए, देखियेड माई होमवर्क आई वॉज अलाउड टू प्ले माई बाय my मदर my, my तो इसमें हैविंग फिनिश का संबंध आई से है सब्जेक्ट से तो मैंने होमवर्क किया है तो ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है तो हैविंग ब्रोकन जो डाउन है सेंटेंस में तो हैविंग ब्रोकन खराब होना होता है तो ड्राइवर खराब नहीं हुआ है कार खराब हुई है दॉ सेंट तो हैविंग ब्रोकन का संबंध कार से हो जाएगा टॉपिक था क्वेश्चन ही रिपेयर करते हैं ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए हैव वन देखिए सब्जेक्ट है उसके बाद उसके लिए आर होना चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला है one of के बाद plural noun होगा, उसके बाद, who, which, that, ये connectors होंगे, उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब तो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नेक्स्ट सेंटेंस देखिए When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up with when they return. तो third part में गलत है, repair करते हैं, return ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए recover. बीमारी से ठीक होना, उसको हम recover कहते हैं ना कि return. चंद्र देखिए, he took more than a month to recover from his illness. तो verb का topic था. Next question. एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मलेरिया रिसर्चर्स तो थर्ड पार्ट में रिपेयर करते हैं ग्लिमर ऑफ होप ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए अ ग्लिमर ऑफ होप क्योंकि होप जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन ग्लिमर ये काउंटेबल होगा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस अ पीस ऑफ एडवाइस एडवाइस अनकाउंटेबल है लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस होता है एन एडवाइस नहीं होता ऐसी अ पीस ऑफ फर्नीचर एन आइटम ऑफ न्यूज अ लोफ ऑफ ब्रेड अ रे ऑफ होप तो इसलिए अ ग्लिमर ऑफ होप टॉपिक था नाउन एंड आर्टिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन इवन टूडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक मेन हैव वॉक्ड ऑन द मून सेकेंड पार्ट है रिपेयर करते हैं इनक्रेडुलस गलत है। इसकी जगह होना चाहिए इनक्रेडिबल एडजेक्टिव्स होते हैं पर दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग तो, ऐसे व्यक्ति को जो जल्दी विश्वास नहीं करता आशु विश्वासी कहते हैं हिंदी में लेकिन इट वॉज एन इनक्रेडिबल द टीम इन द फाइनल मैच तो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस तो अविश्वसनीय का मतलब होता है अविश्वसनीय और incredulous का मतलब जल्दी विश्वास ना करने वाला तो टॉपिक था एजेक्टिव का नेक्स्ट क्वेश्चन द वेल नोन पियानिस्ट प्रैक्टिस फॉर सेवन आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही हैड राइजन टू फेम तो सेकेंड पार्ट मेर है रिपेयर करते हैं प्रैक्टिस गलत है इसकी जगह होना चाहिए प्रैक्टिस आई एस ई क्योंकि आई एस ई वर्ब होता है आई आईसी -E नाउन होता है और उसमें द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू टू प्रैक्टिस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस देखिए यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो प्रैक्टिस आई एस ई वर्ब होता है आई सी -E नाउन होता है इसमें वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में तो टॉपिक था वर्ब का नेक्स्ट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल तो थर्ड पार्ट मेर है रिपेयर करते हैं पर्सनल गलत है इसकी जगह होना चाहिए पर्सनैल प्रनाउंसिएशन में फर्क है पर्सनैल तो देखिए सम स्किल्ड पर्सनैल आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क तो पर्सनल जो होता है ये एडजेक्टिव होता है पर्सनल आपका नाउन होता है तो ये जो पर्सनल है नाउन है इसका मतलब होता है काम करने वाले लोग और आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल मैटर विद यू ये एडजेक्टिव होता है तो वहां पर्सनल आएगा आर्मी पर्सनल नाउन का टॉपिक था ये नेक्स्ट सेंटेंस यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर सेकेंड पार्ट मेर रहे रिपेयर करते हैं टू ट्रैवल ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए ट्रैवलिंग क्योंकि शी अवॉइडेड टॉकिंग टू मी तो अवॉइड वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई आता है जेरेंड आता है टॉपिक था जेरेंड का नेक्स्ट सेंटेंस द अर्थ मूव राउंड द सन इज एंट इट तो एरर है थर्ड पार्ट में रिपेयर करते हैं Isn't it? ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए डजेंट इट क्योंकि क्वेश्चन टैग का टॉपिक है द अर्थ इज राउंड तो is है main verb, तो इज है मेन वर्ब इसमें isn't it हो जाएगा क्वेश्चन टैग में लेकिन द अर्थ मूव प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है अर्थ के लिए डज आ गया डजेंट इट तो ये टॉपिक था क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट क्वेश्चन

जानता था पास्ट में मदद नहीं करेगा तो वुड आ गया मैं जानता हूं उसके लिए विल तो ये टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंस का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अ मोमेंट डिले वुड हैव कॉस्टली इन द सिचुएशन तो फर्स्ट पार्ट एरर है रिपेयर करते हैं मोमेंट डिले ये गलत है इसकी जगह होना चाहिए मोमेंट्स डिले तो ये पोजेशन शो कर रहा है देखिए वी शेल रिटर्न इन एयर टाइम नहीं होगा वी शेल रिटर्न इन इयर्स टाइम ऐसी अ वीक सॉलीडे अ डेज मार्च अ पाउंड्स वेट अ रेजर्स एज यानी एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए क्योंकि नाउन का जब हमें बनाना हो पोजेशन तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं टूडेज वर्ल्ड यस्टरडेज प्रोग्राम इस तरह से टॉपिक था नाउन का तो ये थे कुछ एक प्रीवियस एग्जाम से लिए गए सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उनके जवाब दूंगा और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम